चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, ऐसी खबरें हैं। चीन के सोशल मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है। सीसीपी प्लेनरी बैठक के दौरान स्ट्रोक आने की खबर सामने आई है। लगता है कि शी जिनपिंग की डेथ हो गई। खबर यह है जो कि पार्टी के अंदर के ही लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ लोगों को दी है, उसके मुताबिक बैठक के दौरान शी जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक आया। ये दो चाय के कप में से एक चाय का कप, एक कप में से चाय पी है इन्होंने, उसके बाद इनके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं और फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होने के बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर शी जिनपिंग के स्वस्थ होने या फिर उनके बीमार होने को लेकर कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, जबकि चीन की सोशल मीडिया में इसे लेकर इशारों में काफी कुछ चर्चा चल रही है। फोटो, ये चाय पीते हुए की फोटो है और उसके बाद उनका एक्सप्रेशन जो दिख रहा है वो ऐसा है कि बहुत मतलब बुरी हालत थी। दूसरी तरफ जो चीन के सोशल मीडिया में खबरें हैं उसमें यहां तक कहा जा रहा है कि चाचा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उम्मीद नहीं है कि वो बचेंगे। उसके बाद जब फोटो विदाउट फोटो और विदाउट रिलीज ये बंद हुई कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग, तब इसको हवा मिली कि अच्छा विदाउट फोटो क्यों बंद हुई, आप तो हर बार फोटो के साथ आते थे, 10 साल से 11 साल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, 11वां साल 11th ईयर रनिंग तो प्रेसिडेंट है, और वो भी यू द मोस्ट पावरफुल मैन इन चाइना, आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी का सेशन चल रहा था और उस सेशन में क्या हुआ कि शी जिनपिंग पहुंचे थे और खबर ये फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ्स कब की वो ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग के चारों ओर जो खबरें होती हैं, ये वाली जो फोटो आप दिखा रही है ना, ये एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी ने रिलीज की है फोटोग्राफ और उसी सेशन की रिलीज की है, लेकिन क्योंकि खबर ये थी कि इस सेशन के दौरान, ये भी इस सेशन के दौरान देखिए दो चाय के कप दिख रहे हैं, वापस अगर इस फोटोग्राफ को वापस लाया ना, दो चाय के कप दिख रहे हैं, ये दो चाय के कप में से एक चाय का कप, एक कप में से चाय पी है इन्होंने, उसके बाद इनके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं और फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होने के बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ये फोटो, ये चाय पीते हुए की फोटो है और उसके बाद उनका एक्सप्रेशन जो दिख रहा है वो ऐसा है कि बहुत मतलब बुरी हालत थी। इसके बाद कोई ताजा फोटो हमारे हाथों में नहीं आई। ये फोटो जेनिफर जेंग ने भी ट्वीट की और बहुत सारे, पूरे ट्विटर भरा हुआ था। अच्छा, इंडिया का ट्विटर नहीं था, चाइना का था, चाइना का ट्विटर था और चाइना के बहुत सारे लोगों का था। अच्छा, अब आगे की बात कि ये पूरा गेम क्या था। इसके बाद ये बताया जा रहा था कि ये चाय, अच्छा दो कप क्यों थे इनके सामने, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाकी सबके सामने एक कप था, क्या ये चाय ज्यादा पीते हैं, ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास। भाई एक आदमी 10 साल से प्रेसिडेंट है तो पता तो लगता है चाय ज्यादा पीता है, चाय के दो कप क्यों, क्या एक कप में दवाई रखी थी, क्या एक कप में क्या रखा था, कहीं इनकी तबीयत पहले से तो खराब नहीं थी, इनके दुश्मन भी बहुत हैं, इनको पता है, इसलिए ये दो कप क्या कर रहे थे। भाई किसी भी आदमी के सामने एक कप होना चाहिए, दो क्यों थे, ये दो कप हर फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये भी स्पेक्यूलेशन थी कि कहीं ऐसा था कि एक चाय का कप रखा था और एक दवाई का था और दवाई पीने के बाद इनका फेस के एक्सप्रेशन चेंज हुए और उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। जेनिफर के ही अकाउंट पे आज दिन में जो फोटोग्राफ्स आप दिखा रहे हैं अभी करीब, ये फोटो, ये तो वो है जो फोटोग्राफ्स आप दिखा रही हैं, ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ जो चाय पीते हुए, ठीक है, चाय के दो कप इसमें भी साफ दिख रहे हैं, ठीक है। चाय पीने के बाद जो फोटोग्राफ्स कम्युनिस्ट पार्टी ने शेयर किया है रेड कार्पेट पे चलते हुए और वहां प्लेनरी सेशन में बैठे हुए, वो फोटोग्राफ्स जेनिफर के इस खुलासे के बाद आई है। आज दिन में साइलेंटली का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बोल दिया कि हमारा सेशन ओवर हो गया और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, आई शो यू वन मोर थिंग इफ यू अलाउ मी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जेनिफर जिंग का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो दिया था वो जेनिफर जिंग, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो रिलीज दिया था उसमें कहीं भी जिक्र नहीं था कि हमारा पूरा का पूरा काम उससे हुआ है, मतलब हमारा पूरा का पूरा का जो भी सेशन रहा है वो शी जिनपिंग की अगुवाई में, शी जिनपिंग की लीडरशिप में हुआ। इसको आप अगर देखें तो जेनिफर ने लिखा है, थर्ड प्लेनरी सेशन हैज क्लोज्ड, द मीटिंग कम्युनिक वाज रिलीज्ड विदाउट फोटोज और वीडियोज ऑफ द इवेंट और शी जिनपिंग। ये जेनिफर का ट्वीट है और सच में ऐसा हुआ भी था,
कि शी जिनपिंग की उसके साथ कोई फोटो नहीं। उसके बाद में फोटोग्राफ्स रिलीज हुई लेकिन एंडिंग सेशन की नहीं थी वो। जो फोटो रिलीज हुई है, जो फोटो आप भी दिखा रही हैं, जो आपके पास से दिखाई जा रही, उसमें एंडिंग सेशन नहीं था। तो एंडिंग सेशन के टाइम पे अगर शी जिनपिंग नहीं थे तो क्या वो कहां थे? वो हॉस्पिटल में थे या अपने घर पे थे? अच्छा, अब यहां पे आके स्पेकुलेशन आ जाती है, जिस स्पेकुलेशन पे, जो स्पेकुलेशन मीडिया में, जो स्पेकुलेशन ट्विटर पे, जो स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पे हो रही है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया स्पेकुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन ये कि या तो शी जिनपिंग वहां पहुंचे, उनको डर था कोई उन्हें मार देगा, डर है शी जिनपिंग को। उसके बाद जब फोटो, विदाउट फोटो और विदाउट रिलीज ये बंद हुई कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग, तब इसको हवा मिली कि अच्छा विदाउट फोटो क्यों बंद हुई? आप तो हर बार फोटो के साथ आते थे, 10 साल से 11 साल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, 11वां साल 11th ईयर रनिंग, तो प्रेसिडेंट है, और वो भी यू द मोस्ट पावरफुल मैन इन चाइना, आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। एक आता है ना, एक तो बनता है कि यस इसकी कम्युनिटी आनी चाहिए या इसका कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आया। दिस वॉज अ सीरियस थिंग। उसके बाद शी जिनपिंग कहाँ है? अभी तक शी जिनपिंग हमने नहीं देखा है। तब से शी जिनपिंग नॉर्मली आ जाते थे, ठीक है, तो शी जिनपिंग की लेटेस्ट वो आती है, वीडियोस आते हैं, कब के आए हैं, कहाँ से आए हैं। शी जिनपिंग के इससे पहले भी खबर आई है कि गायब हुए, लापता हुए, और उस जमाने में जब आई थी तो शी जिनपिंग कुछ टाइम तक गायब थे। हाँ, मैं बिल्कुल, एक या डेढ़ साल हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन शी जिनपिंग जो है वो ऑलमोस्ट एक वीक दिखाई नहीं पड़े किसी को। और यही कहा गया उस वक्त भी, यही कहा गया था कि उनको कुछ हो गया है। हम लोगों ने, कईयों ने वीडियो भी बनाई थी, बात भी की थी, लेकिन उसके बाद वो फिर बाहर आ गए। इस वक्त भी जो चाइना में आपके और हमारे एक दोस्त रहते हैं सुमित जैन साहब, उनका कहना ये था कि जी अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई होती, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि कई लोग कह रहे हैं कि ये बात सही है और स्ट्रोक हुआ है और इस किस्म की चीजें कह रहे हैं, तो किसका भरोसा किया जाए? इसलिए कि जाहिर है कि स्टॉक मार्केट का तो दम है बात में। ये जो जैन साहब अपने वीडियोस के स्टार्टिंग में जय श्री राम बोलते हैं ना, अगर उन्होंने सच बोल दिया तो वो जय शी जिनपिंग बोलते नजर आएंगे, ये बात याद रखना। तो ठीक है, उनकी अपनी एनालिसिस है, उनके अपने सोर्सेज हैं, मैं मानता हूँ। चाइना में बैठ के जितना वो बोलते हैं उतना बोलना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक बात है, चाइना बैठ में बैठ करके वो ये भी नहीं बोल सकते कि मामला गड़बड़ है। ठीक है, चाइना में बैठे और चाइना में क्या होता है सबको पता है। मैं उनकी सोर्सेज पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी ऑथेंटिसिटी पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उनके पास एक क्लोज सोसाइटी है जिसपे, जिसकी खबर कहीं बाहर नहीं आती, चाइना में ही नहीं आती।